लोकसभा चुनाव में राजस्थान में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के लिए पहली अच्छी खबर आई है। पार्टी ने पंचायत समिति और जिला परिषद के उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने 74 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के खाते में 29 सीटें गई हैं। निर्दलीय ने 6 सीटों पर सफलता हासिल की है। जिला परिषद सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट जीत दर्ज की है। सभी सीटों पर उपचुनाव 30 जून को कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग ने आज परिणामों की घोषणा की है। आयोग ने 22 जिले के 48 सरपंचों के नाम की भी घोषणा की है, जिसमें 12 निर्विरोध चुने गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज आए पंचायती राज उपचुनावों के नतीजे सुखद है। मतदाताओं का आभार और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विजयी उम्मीदवारों को बधाई। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, जिला परिषद उपचुनावों में 9 जिले परिषद सदस्यों में से कांग्रेस के 7 प्रत्याशी व पंचायत राज उपचुनावों में 75 पंचायत समिति सदस्यों में से कांग्रेस के 39 प्रत्याशी की जीत हासिल करने पर हार्दिक बधाइयां एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये जीत ऐसे समय में मिली है जब लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन काफी खराब रहा है और वो खाता भी खोलने में नाकामयाब रही। पार्टी ने पिछले साल के आखिरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सत्ता में हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।